पूरी सतर्कता बढ़ती हुई है कोरोना वायरस को लेकर और हम जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं। जांच की व्यवस्था भी हमने पूरी तरीके से रखी हुई है और यदि आवश्यकता पड़ती है तो संभावित मरीज के इलाज की भी व्यवस्था हम सब लोगों ने की हुई है। आज पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में यहाँ के कोरोना वायरस से रिलेटेड व्यवस्थाओं की समीक्षा करने के लिए मैं और मेरे साथ विभाग के अधिकारी श्री कौशल जी यहाँ आए हैं। पीएमसीएच के अंदर जो आइसोलेटेड वार्ड बना है उस वार्ड के संदर्भ में और जो माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में जांच की यहाँ व्यवस्था की गई है, जो सैंपल कलेक्शन किए जा रहे हैं उस संबंध में और आगे आने वाले दिनों में पीएमसीएच में भी कोरोना की जांच की व्यवस्था की अनुमति भारत सरकार से मिल जाती है तो यहाँ पर सारी चीज़ें व्यवस्थित रहें, उन सारे विषयों पे विस्तार से भी चर्चा समीक्षा हम करेंगे। अभी तक की जो स्थिति है, हमारे पास जो आइसोलेटेड वार्ड हैं उसमें हमारे संभावित मरीज हैं, उनकी जाँच कराई जा रही है और जो उनके रिपोर्ट्स आ रहे हैं वो रिपोर्ट्स भी उनको बताए जा रहे हैं और अभी तक एक भी रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आया है, सारा नेगेटिव रिपोर्ट है। और दूसरा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल विधानसभा में घोषणा किया था कि हम पटना के पाटलिपुत्र होटल अशोक को क्वारंटाइन सेंटर के रूप में डेवलप करेंगे और उस होटल की पूरी साफ सफाई और उसके सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है और आज से वो क्वारंटाइन सेंटर के रूप में काम करना शुरू कर देगा। एपिडेमिक एक्ट भी आज से लागू हो गया है, उसका निर्देश आदेश जारी कर दिया गया है कि लागू होने की सूचना दे दी गई है और उसके अनुसार अब सभी जगहों पर हमारे जिलाधिकारी और जिले के स्वास्थ्य अधिकारियों को अधिकार मिले हैं जिसके तहत हम जांच करेंगे और अन्य सारी जो आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध करानी है उसके लिए चिंता करेंगे। बहुत हो गया, थैंक यू सर। Thank you.